प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे सार्थक फैक्ट्स, मतलब आईना। पहुंच गए थे अपन श्रावण माह तक। आज अपन देखेंगे श्रावण माह के सार्थक फैक्ट्स, बहुत मॉडर्न। ठीक है, तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन आएगा हरियाली अमावस्या। हरियाली वर्ड ध्यान देना है, हरियाली वर्ड ध्यान देना है। एक्चुअली श्रावण में जो है, बोलते हैं कि श्रावण के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, श्रावण के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। ठीक है, क्योंकि हरियाली रहती है, क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम होता ही है। तो श्रावण में अमावस्या जो आएगी वो हरियाली अमावस्या है, तीज जो आएगी वो हरियाली तीज है। ठीक है, तो हरियाली वर्ड पकड़ते अपनों का पकड़ लेना है, श्रावण पकड़ लेना है। ठीक है, तो पहले अपन बात कर रहे हैं हरियाली अमावस्या की। तो जैसे मैंने बताया अभी श्रावण अमावस्या, चाहे श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या, कृष्ण पक्ष खत्म ही अमावस्या पे होता, अंधेरा पक्ष जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने हरियाली तीज वो हरियाली अमावस्या। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता रहा था, जब अपने मैप पे देखा था तो इसमें आया था, मैंने बताया था, देखो अपने को बूढ़ा जोड़ मेला, ठीक है, बीकानेर हरियाली अमावस्या पे, देन अपने डिग्गी में मेला देखा, डिग्गी कल्याणी हरियाली अमावस्या, देन अपन ने फतेह सागर, फतेह सागर झील के किनारे मेला अपने उदयपुर, देन अपने देखा बिजोरिया किसान आंदोलन में, उपरमाल किसान बोर्ड का गठन 1917 में हरियाली अमावस्या पे, और लास्ट में अपन ने देखा अपने कल्प वृक्ष मेला पीसागंज अजमेर किशनगढ़ के अंदर, पीसागंज अजमेर, बिल्कुल अजमेर नागौर बॉर्डर की तरफ उस साइड में है। ठीक है ना, तो ये अपन ने हरियाली अमावस्या पे जो एक लोकल कंटेंट था वो देखा था, कल्पवृक्ष मेला मंगलीय वास पीसागंज अजमेर, गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ मेला अपने देखा था बीकानेर के अंदर, देन फतेह सागर झील मेला अपने देखा था उदयपुर में। ठीक, और लास्ट में देखा 1917 में बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उपरमाल किसान बोर्ड का जो गठन हुआ वो विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में, विजय सिंह पथिक समेत कुल 13 सदस्य थे, मन्ना पटेल भी उसमें थे। तो वो, और इसके साथ अपन देखते हैं हरियाली महोत्सव, पिट्ठोरी व्रत क्या होता है, उन महिलाओं द्वारा रखा जाता है जिनकी संतान जन्म लेती मर जाती है, तो पिट्ठोरी, पिट्ठोरी मैंने याद करता है, जैसे कठोर देवता उनके लिए कठोर हो जाते हैं। उच्छकनी या बांसापूर्ण पर्व जो था वो किसानों द्वारा अच्छी बारिश के लिए किया जाता है। ठीक है ना, और फिर मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी अपने कल्प वृक्ष की, अपने जो अजमेर में अपन ने देखा। ठीक है, मंगलियावास पीसागन अजमेर। राजस्थान में त्योहारों का आगमन, आगमन से आपको कुछ याद है, तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर, तो ये वो है, गणगौर देख चुके हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया, अब आगमन देख रहे हैं। आगमन किस त्योहार से माना जाता है, तो श्रावण शुक्ल तीज है ना, SST अपने ऐसे याद किए कराया था मैंने आपको, SST श्रावण शुक्ल तृतीया, तो एस से मतलब श्रावण और एस से मतलब स्मॉल। ठीक है, और इसको हरियाली तीज भी बोलते हैं, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। देन हरियाली तीज अभी जैसे जो आया ये वही है श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है ना, ये हरियाली तीज हो गया अपना। फिर हरियाली तीज पे छोटी तीज भी इसको बोलते हैं, और जैसे इसमें मैंने एक चीज आपको और बताई थी, इस तीज को मधु तीज, हिंडोला तीज भी बोला जाता है, लहरिया तीज भी, श्रृंगारिक तीज भी, हरियाली तीज भी। श्रावण तीज तो इसलिए क्योंकि श्रावण में आती है, मधु तीज इसलिए क्योंकि पति पत्नी प्रेम का एक त्योहार है, हिंडोला तीज इसलिए क्योंकि झूले इस दिन डाले जाते हैं, झूले खाए जाते हैं मतलब इंजॉय किए जाते हैं, लहरिया तीज लहरिया माना जाता है, श्रृंगारी तीज श्रृंगार किया जाता है महिलाओं द्वारा। ठीक है, और हरियाली तीज इसलिए, और ये प्रसिद्ध कहाँ की है, जयपुर की है, जयपुर की तीज है, छोटी तीज जो है वो सबसे बड़ी फेमस है। ठीक है, पति प्रेम का त्यौहार है इसलिए मधु तीज बोलते हैं, और इस दिन पीपली गीत गाया जाता है शेखावटी में, खास तौर पर पति की प्रेम में पीपली तीज। ठीक है ना, ऐसे है, और इससे जस्ट जो पहले आता है वो सिंजारा होता है, तो सिंजारा मैंने बताया कि लड़की के जो ससुराल पक्ष जो है उनकी तरफ से कपड़े आते हैं पियर पक्ष के अंदर। ठीक है, ऐसे, और नवविवाहिता जो अपनी पहली तीज कहाँ पियर में मनाती है, और फिर इसलिए उसके सास जो है वो सिंजारा भेजती है, ससुराल से पियर आते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कोई टाइम था जब 7 साड़ियां, अब थोड़ा मॉडर्न हो गया, तो 7 साड़ियां 3 सलवार सूट, फिर थोड़ा और मॉडर्न हो गए तो 2 साड़ियां कर दी, 2 सलवार सूट कर दिए, 3 दिन स्टॉप कर दिए, ऐसे है ना। लेकिन कोई नहीं, अपन को सिंजारा उस कॉन्सेप्ट से समझना है, और सिंजारे के साथ जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है वो अपने तीज से एक दिन पहले का जुड़ा हुआ। ठीक है, ये हो गया। फिर अपन देखते हैं तीज का त्योहार मनाया जाता है कब, महिलाओं द्वारा, कब, श्रावण शुक्ल तृतीया। नागपंचमी कब है, तो नागपंचमी कब है अपने श्रावण कृष्ण पंचमी। ठीक है, श्रावण कृष्ण पंचमी, ये नागपंचमी हो जाएगी। ठीक है, पंचमी, फिर जैसे पंचमी जैसे अपने याद किया था, तो जैसे अपने याद किया था वत्स चतुर्थी, श्रावण में क्या था, वत्स निडर रहे। ठीक है ना, वत्स नाग से निडर रहे, क्योंकि अपने पास नेवला है, तो वत्स चतुर्थी, नागपंचमी, नेवला नवमी और अपने निडर नवमी,
और अमावस्या पे हरियाली अमावस्या। ठीक है, तो इस तरह ही अपने सावन के क्वेश्चन देखे टू द पॉइंट। फिर आ जाते हैं अपन सबसे बड़ा महीना है ना, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो कंपेटिवली कितने, छठा मतलब बारहवां महीना, पहली छह महीने कंप्लीट हो रही है, देखो कितने क्वेश्चन है ये देखो। तो इसलिए ये समझना जरूरी है अपने को, मतलब सारे क्वेश्चन एक तरफ कर दो और महीने के, और ये छठे महीने के एक तरफ कर दो, है कि नहीं है? ऐसे बड़ा महीना है ही, देखने में फाइल में भी अपन तीन चार फाइल के अंदर आया था। सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, तो बैसे बड़ी, बैसे बूंदी और बैसे ही भादवा। ठीक है, बै 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 करते जाओ इसके अंदर, बैसे बूंद, बैसे बड़ी तीज, बैसे भादवा, भादवा बैसे बूंदी। ठीक है, और इसको अपन बोलते कब है, कभी भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बीकेटी। ठीक है, ये आ गया बीकेटी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। सातुली तीज भी बोलते हैं इसको, सातुली तीज का पर्व मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, वही राजस्थान में का कजली तीज का त्यौहार है, मेला प्रसिद्ध बूंदी, इसको कजली तीज भी बोलते हैं। ठीक है ना, कजली तीज, ये कजली तीज। श्रावणी तीज तो अपने कौन सी है, हरियाली तीज, और ये है कजली तीज। ठीक है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी, षष्ठी आ गया ना, षष्ठी मतलब छह आ गया, तो ये छठ आएगा, षष्ठी मतलब छठ, तो इस दिन आपको ऊब छठ, बलराम छठ, ऐसे। तो देखो जब तक वो अपन को पहाड़ा याद नहीं होगा ना, पहाड़ा कैसे, मैंने जैसे लिंक कराए थे ना, जैसे गुगा नम्मी, जैसे अभी छठ आया तो बलराम छठ, मतलब ऊब छठ, बलराम छठ, ठीक है ना, यूं आ गया। फिर अष्टमी आएगा तो ध्रुव, आपने कृष्णा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ अपने और क्या अष्टमी पे क्या देखा आपने, कृष्ण जन्माष्टमी, देन मेहा अष्टमी, देन अपने नरहरा अष्टमी, ऐसे। तो वो अगला शब्द याद रखो, उससे ऑटोमेटिक ही आपके जमान पे चल जाएंगे अगले शब्द से। ठीक है, जन्माष्टमी, ठीक है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के साथ में अपन को क्या और देना, मेहा अष्टमी और नरहर पीर, जो अपने चिड़ावा में देखा वो अष्टमी। पूजन किस तिथि को होता है, तो ये भाद्रपद, यू लिखना एक एक समझ के लिखो, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, बी के एट। ठीक है, जन्माष्टमी, गुगा नवमी, अब जैसे आ रहा गुगा नवमी, तो जस्ट इसके अगले दिन ही गुगा नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी से अगले दिन ही अपन क्या देखते हैं, गुगा नवमी देखते हैं। ठीक, और गुगा नवमी के जो साथ में जो आता है वो अपने लोहा गर्ल जी का जो मेला है झुंझुनू में, वो उसके साथ में चलता है, और बीच में जैसे इन दोनों के अष्टमी रह जाता है, तो अष्टमी तो बीच में क्या रह जाता है, अष्टमी जस्ट से पहले मतलब कृष्ण जन्माष्टमी देखा, तो अष्टमी के बाद नवमी आ गया, तो गुगा नवमी प्लस लोहागढ़ झुंझुनू भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, गुगा गुगा जी का मेला किस माह में भरता है, गुगा मेढी। ठीक है, गुगा जी का मेला तो अपन को जैसे अपन पता है अभी भादवा महीना पढ़ रहे हैं, और भादवे महीने में नवमी को गुगा नवमी आया, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को उनका मेला भर गया। और पशु मेला जैसे देखें तो पशु मेला तो क्या हो जाएगा, अपने श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा सबसे लंबी अवधि। लेकिन देखो अब यहाँ पूछा है गुगा जी का मेला, तो इस पर दिमाग नहीं लगाना कि ये पशु है साधारण है, जब तक पशु नहीं लिखा हुआ एक्सप्लिसिटली तब तक वो साधारण मेला ही है। ठीक है ना, साधारण मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिस दिन अपने गुगा नवमी देखते हैं जन्म। बछड़े की पूजा कब की जाती है, बच बारस, है ना, बछड़े की पूजा बच बारस, पढ़ा याद है अपन को बच बारस, तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला, तो पहले तो रणथंभौर में अपन को ये होना चाहिए कि इष्ट देवता, मतलब इष्ट देवता का मतलब भगवान कौन से है रणथंभौर के अंदर, गणेश जी है, तो गणेश जी के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी है। ठीक है, मतलब गणेश जी का अपन ने करीबन 13-14 वेरियंट देखे थे, त्रिनेत्र, खड़ा, खेड़, खोड़ा, ऐसे। तो त्रिनेत्र गणेश जी है, तो गणेश चतुर्थी का अक्सर पता होना चाहिए, तो चतुर्थी पता हो गया, गणेश चतुर्थी देखना, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी BS4। ठीक है ना, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, मतलब मैं जब याद करता था ना इसको, जब जैसे एग्जाम वगैरह थे सारे मेरे को ये ऐसे ही याद थे, और इतना मजा आता था, जैसे क्या होता था, जैसे हम लोग डिस्कशन कर देते हैं ना अच्छे अच्छे, जैसे बैठते थे, मैं तो कहीं उनको सुनता ही रहता था, तो जैसे गणेश जी को जैसे आते थे हमारे साथ वाले को काफी, तो वो यूं बोलते थे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यूं, तो मुझे अजीब सा लगता था बड़ा, ठीक है हाँ भाई है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको मनी मन में बोला करता था BS4, है नहीं। तो कई बार जैसे फिर वो मेट से पूछते थे, जैसे प्रताप जयंती, तो बोलता GST, तो GST क्या आ गया, GST, तो उनको वो शॉर्ट फॉर्म अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मुझे तो याद हो जाती थी, है ना, क्योंकि जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड था, आर्ट्स से नहीं रहे, ठीक, तो उस कारण से क्या वो एक आर्ट्स वाले स्टूडेंट को वो ज्यादा एक वो आता है कि हाँ यार वो पूरा ही लिखो, तो मैं ऐसे शॉर्ट के अंदर उसको याद हो जाता था, तो ऐसे मतलब ये स्मार्ट करो, समझ रहा हूँ, तो उससे क्या होता है जैसे एनर्जी कम लगती है, अच्छा होता तो और क्या है यार, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे, तो ऐसे ही ऐसे रखो, है ना। तो
दिमाग कुछ अलग लगता है तो दिमाग उसको समझने की कोशिश करता है और वो समझ में आता है। कहने वाला समझ में आना चाहिए यार, ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात इतनी सी है ना। बी एस फोर अपने भ्राकृत शुक्ल चतुर्थी, फिर अपन आगे ऋषि पंचमी। तो ऋषि पंचमी अब ये मत सोचना आपकी ऋषि पंचमी वो आपसे पूछेगा पंचमी चतुर्थी तृतीया कब है, नहीं वो क्या पूछेगा आंसर क्या है, भ्राकृत शुक्ल पंचमी। इस पंचमी को फाइव भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा अपनी ऋषि पंचमी। और इसी दिन जैसे मैंने बताया था कौन सा समाज रक्षाबंधन मनाता है, महेश्वरी समाज है ना। और देवभावा पंचमी और हरिभावा पंचमी है ना, देवभावा पंचमी मनाते हैं, हरिभावा पंचमी देखिए वो बांबी की पूजा जो होती है। तो सो नाग पंचमी मत कर देना, नाग पंचमी तो अपने इधर है अलग श्रावण माह के अंदर कृष्ण पक्ष में, और ये अपने हरिभावा पंचमी भाजपा भाजपा शुक्ल पंचमी। और अभी जो अपन देख रहे हैं ये क्वेश्चन आया किसका, अपने ये क्वेश्चन आया अपने ऋषि पंचमी का भाद्रपद है ना, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। और इस ऋषि पंचमी का महत्व है कि सप्त ऋषियों की इस दिन पूजा होती है, ऋषि के सप्त ऋषि तारामंडल जो अपन देखते हैं ना, सप्त ऋषि तारामंडल उसमें सप्त ऋषि। तो सप्त ऋषि में कौन सा शामिल होता है नहीं होता है तो वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे देखते हैं वशिष्ठ विश्वामित्र कर्ण भारद्वाज अत्रि वामदेव और शौनक, ये सात हैं जो अपने सप्त ऋषि तारामंडल के अंदर आते हैं, इनकी पूजा होती है इस दिन। पता होना चाहिए ना ये सप्तमंडल कौन कौन से है सप्त ऋषि में। फिर नेक्स्ट देखते हैं तेजादशमी, तेजाजी का निधन है ठीक है। ये तेजादशमी किस दिन है अपने, तो कैसे याद किया था अपने, भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजादशमी ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजादशमी। और इस दिन अपने जो खेजड़ली, खेजड़ली का जो मेला है खेजड़ली खेजड़ली, तो वहां भी मैंने आपको कहा था बागजा दस नंबरी सकल लेके तेरी, तो ये था वो बागजा बागजा दस नंबरी तेरी। तो बागजा से तो था भाद्रपद भादपा मा, बागजा सकल लेके, तो सकल से शुक्ल पक्ष था है ना, दस नंबरी तेरी, दस दस से ही आ जाएगा ये तेरह, दस दस से ये दस दसवीं आ रहा ना ये शुक्ल दसवीं, और तेरह से क्या था वो अपने तेरह से अपने तारीख तेरह उन तेरह से मैंने इसमें तीस था बागजा सकल लेके, बागजा सकल लेके दस नंबर दस नंबरी, तो ये तो ये था बागजा सकल लेके दस बी एस टेन, तो ये हो जाएगा। और वैसे याद कराया था मैंने अपने गूगल कैलेंडर में 11 सितम है ना, सितम से सितंबर, 11 सितम सताए तीस के है ना, 11 सितम सताए तीस के मतलब प्यास के ठीक है। तो और विक्रम संवत में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1787 समझ गए, तो हो जाएगा त्रयोदशमी है ये हो गया सर, त्रयोदशमी त्रयोदशी का निधन भाद्रपद शुक्ल दशमी निधन था। और जन्म कब है अपने, माघ चतुर्दशी को ठीक है ना, माघ चतुर्दशी जब अपने मेले देखे थे तभी मैंने बताया त्रयोदशी का साधारण मेला अपने माघ चतुर्दशी ठीक है। और वो आ गया है ना माघ जन्म त्रयोदशी का माघ शुक्ल चतुर्दशी। और रामदेव जी का जो अपन ने मेला देखा था वो अपन इसी तारीख में मतलब ये बीच में आ रही थी उसमें ठीक है, मासिक शुक्ल एक से लेके और पूर्णिमा तक ठीक है, रामदेव पशु मेला जो आ रहा था वो ठीक है ना, रामदेव पशु मेला जो है वो माघ शुक्ल एक से लेके माघ शुक्ल एक से लेके माघ शुक्ल यहां लिखता हूं बस, माघ शुक्ल एक से लेके माघ शुक्ल ये रामदेव पशु मेला है कि नहीं है। तो मैंने बताया था इसके बीच में तेजा जी का जन्म है, तो ये आ गया ना तेजा जी का जन्म माघ चौदस ऐसे माघ शुक्ल चौदस ठीक है। ये फिर आ जाता है अपने ये हो गया हाँ तेजादशमी, ये मिटा दो एक बार, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा याद होगा। तेजादशमी को वीर तेजाजी का मेला कहाँ लगता है, तेजादशमी आती है ठीक है ना, ये बात माँ का मेला लगता है ना, तेजाजी का मेला लगता है, मेला तो अपने नागौर पर्वत से नागौर में, और आती कब है भाद्रपद शुक्ल दशमी को भी बताया, भाद्रपद शुक्ल दशमी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान सही दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है, तो खेजड़ी दिवस है ही ठीक है, खेजड़ी दिवस अपन ने पढ़ा ही है ठीक है। अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में 363 टोटल शहीद हुए, 294 जिसमें से पुरुष थे और 69 महिलाएं थी ठीक है, 363 274 363 तो टोटल ठीक है ना, 294 और 69 ठीक है, तारीख थी भाद्रपद शुक्ल दशमी और वैसे बोले तो 11 सितंबर 1730
ठीक है, अभय सिंह, किरदार आसिया, और तीनों जो अपने डॉटर देखी इनकी, आंसू, बागू और रतनी। ठीक है, ये हो गया ऐसे। हाँ, जलजुलनी, जलनी एकादशी रह गया लास्ट में, है ना, ये हो। फिर जलजुलनी एकादशी मनाई जाती है, तो इस दिन अपन देखते हैं कि कृष्ण जी का कुआ पूजन जन्म के बाद, तो जन्म तो हो गया अपने जन्माष्टमी पर, जन्माष्टमी तो पक्का भाई, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी हो गई, और ये जलजुलनी एकादशी हो जाएगी भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जलजुलनी एकादशी हो जाएगी, ठीक है ना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और सबसे इंपॉर्टेंट है ना इसमें, मैंने उसमें बताया था, इस दिन जलजुलनी एकादशी में मेला भरता है आपने जो सांवलिया सेठ, है ना, कृष्ण जी का मंदिर है सांवलिया, सांवलिया सेठ, सांवलिया सेठ अपने मंडफिया चित्तौड़ में, मंडफिया चित्तौड़ में ये, ठीक है ना, ऐसे बहुत ही भव्य मंदिर है, मैंने आपको फोटो शायद मंदिरों में दिखाई भी होगी, चित्तौड़ के सांवलिया सेठ मंदिर, यहाँ भी लगी हुई है वैसे फोटो। हाँ ये रही, जलजुलनी एकादशी का मेला पड़ता है, ठीक है, मंडफिया चित्तौड़ में, ये देखो। जलजुलनी एकादशी का मेला भरता है मंडफिया चित्तौड़ सांवलिया सेठ, है ना, जलजुलनी एकादशी मैंने बताई दी आपने, कब, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ये सांवलिया सेठ मंदिर, श्री सांवलिया सेठ मंदिर राजस्थान का अद्भुत मंदिर, जहां लोग जितना चढ़ाते हैं उसे कई गुना ज्यादा पाते हैं, ये सांवलिया सेठ मंदिर, ठीक है। और ये देखो, ये नोटों की गिनती करते हुए चढ़ावा जो आता है इसका, आपने काफी फोटो आती है अखबार में, और सांवलिया सेठ इसलिए मतलब काले रंग की अपने कृष्ण जी की मूर्ति है, सांवले रंग की, ठीक है, ये ऐसे अपना। फिर नेक्स्ट आ गया अपने नोहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला पड़ता है, तो नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है, तो नो डाउट हनुमानगढ़ का संबंध जो है नोहर, ठीक है, चुरू ददरेऊ तो सीट्स मेरी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर, धूल मेढ़ी अपन देख सकते हैं, ठीक है, गुगा मेढ़ी, तो वो गुगा जी का मेला पड़ता है आपने कब, भाद्रपद शुक्ल नवमी। फिर क्या, गुगा जी का प्रमुख मेला गुगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है, ठीक है, तो एक तो हनुमानगढ़ में हो गया, दूसरा चुरू में नहीं है, जो गुगा जी की ओल्डी जो अपने पड़ी थी सांचौर जालौर, वो है ये, है ना, गुगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला लगता है ना, रामदेव जी का मेला कब लगता है, अब देखो उसमें पशु नहीं है, वर्ड नहीं, तो रामदेव पशु साधारण मेले की बात है, ठीक है, पशु मेला तब मानना है अपने जब पशु वर्ड लिखा हो उसके अंदर, ठीक है, तो ये कब रहेगा रामदेव जी का मेला, तो अपने बाबरी दूज पड़ी थी, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक, ये भरता गाय रुणेचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर, राजस्थान में रुणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए योगदान देता है, सांप्रदायिक सद्भाव, है ना, रामसा पीर जैसे बोलते हैं इनको, तो जिस मतलब सभी समुदाय इक्वल आराधना से इनकी पूजा करते हैं और मेले में अपना योगदान देते आते हैं। सातु गांव, सातु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी, तो BS9 आ गया, भाद्रपद शुक्ल नवमी आ गया, ठीक है, तो ये भाद्रपद शुक्ल नवमी क्या है, ये फत्ता नवमी है, आ गया वीर फत्ता जी, फत्ता सिसोदिया, जैमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया चित्तौड़, ठीक है, अकबर के समय जैसे जो हुआ ये सारा उसमें, तो अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ेंगे या जब अपन भीवाड़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा फत्ता सिसोदिया। वैसे तो अभी भी अपने देखा था देवताओं में जब आए थे वीर कल्ला जी पढ़े थे शेषनाग के अवतार, तो कल्ला जी ने अपने ताऊ जी को कंधे पे उठा लिया था, है कि नहीं है, वो तो जैमल मेड़तिया थे लेकिन उनके साथ ही लड़े थे, जैमल मेड़तिया हैं और ये फत्ता सिसोदिया है, फूल कमर के हस्बैंड, ठीक है ना, फत्ता फत्ता जी सिसोदिया लिखना है इसमें, मेवाड़ वंश से संबंधित है फत्ता जी सिसोदिया, ठीक है, ऐसा तो फत्ता नवमी कैसे याद हुआ मेरे को भी, कैसे याद है, फत्ता नवमी से याद है, तो फत्ता नवमी सातु गांव। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है, तो त्रिनेत्र गणेश जी स्वयं मधुपुर है, और तारीख क्या है अपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, और वो जो विसर्जन होता है पानी में जब 10 दिन का त्योहार का अंत होता है, तो वो कौन सा था, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी 14 को, और 15 से फिर अपने श्राद्ध लग जाते हैं, काफी त्योहार मना लिए तो थोड़ा रेस्ट तो जरूरी है ना उसके बाद में, तो श्राद्ध पक्ष में फिर वो रेस्ट होता है, ऐसे है, समझ गए, ये है, तो भादवा हो गया, भादवे के साथ क्या होता है, पहली 6 माही कंप्लीट हो जाती है, फिर आते हैं अपने अगली 6 माही आश्विन से लेके फागुन तक, अब देखो कितने कितने से देखो, छोटे छोटे से देखो, ये देखो ये आ गया, ये आ गया, और फिर ये बस यहाँ खत्म हो जाते हैं, ये फागुन आ गया, फागुन आ गया, फागुन आ गया, होली आ गई है, डांडो रूप गए, डांडो रूप गए, रूप गए माघ,
अगले से आश्विन सात आ गया ना, सातवा आश्विन, आठवा कार्तिक, नौ नौ दस में है ही नहीं अपने मार्क्सिस्ट पोस्ट के अंदर, फिर माघ आ गया ग्यारहवा और फागुन आ गया बारहवा, फिर एससीटी वाले आएंगे कुछ, फिर ये अन्य धर्मों के हैं, ठीक है, फिर पशु मेले में संबंधित क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक बार आप इसको जैसे मैंने माइक्रो बताया एक बार बना लेना, फिर अपन इसको फाइल में देखते हैं आराम से, कहाँ थे था सातवें से देखेंगे आसुर वहां से यहाँ से, ओके। तो ये श्रावण और भादवे के क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है, कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसका देखो, फिर नेक्स्ट फाइल में अपन देखते हैं आश्विन से लेकर आगे, ओके।